नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के आरोपियों को पुलिस कस्टडी में भेजा जा चुका है। गुरमेल सिंह को 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। अभी धर्मराज को लेकर यह संशय है कि वो नाबालिग है या नहीं है। धर्मराज कश्यप का ऑसिफिकेशन टेस्ट होगा और इस टेस्ट के बाद धर्मराज की दोबारा कोर्ट पर पेशी होगी। मर्डर के चौथे आरोपी की पहचान हुई है, जिसका नाम जिशान अख्तर बताया गया है। तो चार नाम अब तक सामने आए हैं और आप जानते हैं बाबा सिद्दीकी, जिनकी कल हत्या कर दी गई, आज कोर्ट में पेशी हुई गुरनैल की और उसे 21 तारीख तक पुलिस कस्टडी में भेजा जा चुका है। अब मुंबई पुलिस ने बड़ा एक्सपोजर भी किया है कि जो चौथा आरोपी है उसका नाम है मोहम्मद जिशान। उसकी तलाश में भी अब एजेंसीज लगातार काम कर रही हैं। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये उन आरोपियों की तस्वीर है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपियों को पुलिस कस्टडी मिली है। गुरमेल को 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। धर्मराज कश्यप ने नाबालिग होने का दावा किया तो पहले ऑफिसिकेशन टेस्ट उसका होगा और उसके बाद दोबारा उसकी कोर्ट पे पेशी होगी। चौथे आरोपी को लेकर भी जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन, आप जानते हैं मुंबई पुलिस के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरीके की बातें आ रही हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर है। और ऐसे में चौथे आरोपी का जो एक्सपोज उन्होंने किया, उसका नाम मोहम्मद जिशान। अब तक चार आरोपी और ये देखने समझने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में इंटेलिजेंस भी लगी हुई है, क्योंकि इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। कई तरह के आरोप उस पोस्ट में, लेकिन ये भी बहुत चिंतनीय बात है। आपको याद होगा सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, तब खुद एकनाथ शिंदे आए थे तो उन्होंने सीधा चैलेंज दे दिया था। अब आप उसके बाद देखिए हौसले कैसे सातवें आसमान पर, और ये सारी चीजें इतनी आसानी से मुहैया भी हो जा रही हैं, रिवॉल्वर्स मुहैया हो रहे हैं, पैसों का ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है तो आप समझिए सलाखों के अंदर से जो नेक्सस चल रहा है उसके बारे में फिर क्या ही कहा जाए। तीन गोली, तीन शूटर, चौथे का नाम भारत एक्सप्रेस ने आपको बता दिया। अब इस मामले में एजेंसीज के कान खड़े हैं। कोई छोटा मोटा नाम तो था नहीं बाबा सिद्दीकी, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड थी। बावजूद इसके कुछ युवक आते हैं, रेकी करते हैं, बाबा सिद्दीकी के बांद्रा वाले घर का भी पूरा रेकी कर लेते हैं। जिशान जो कि उनके पुत्र हैं, जो कि एमएलए हैं जिशान सिद्दीकी, उनके दफ्तर की पूरी रेकी कर लेते हैं। कोर्ट में आज पुलिस वालों ने उनको प्रोड्यूस किया, अक्यूज को प्रोड्यूस किया, हमने उसको ऑब्जेक्ट किया। बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, वॉट एवर ग्राउंड्स वी कुड गिव टू द कोर्ट, वी हैव गिवन इट। कोर्ट हैज कंसीडर्ड ऑल दोस ग्राउंड्स एंड कंसीडरिंग 21st ऑफ अक्टूबर तक एक अक्यूज को उसमें कस्टडी दिया हुआ है एंड सेकंड अक्यूज को उसमें ऑसिफिकेशन टेस्ट के बाद में प्रोड्यूस करने के बाद। नहीं, नो कमेंट्स ऑन दैट बिकॉज दैट हैज नॉट बीन प्रोड्यूस बाय द प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट टुडे। पुलिस ने उसमें 14 डेज मांगे थे बट कोर्ट ने उसमें 7 डेज की दिए। इफ द कोर्ट फील्स दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी द कोर्ट में ग्रांट फर्दर कस्टडी। तो कोई छोटा मोटा नाम तो थे नहीं बाबा सिद्दीकी, उनकी अपनी एक अलग ही फैन फॉलोइंग है। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद मुंबई में सन्नाटा पसरा है। आपको चार अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। सिद्दीकी के बेटे जिशान के मुताबिक उनके पिता का नमाज जनाजा शाम 7 बजे, मगरीब की नमाज और दफन यानी सुपुर्द खाक की जो पूरी रिवायत होगी वो होगी रात 8:30 बजे। बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन पुलिस स्टेशन के सामने होगा। उन्होंने पोस्ट किया है, ट्विटर पर भी डाला है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी डाला है। बाबा सिद्दीकी के घर आम हो या खास सभी लोगों का पहुंचना जारी है। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के अलावा बाबा सिद्दीकी के घर अभिनेता सलमान खान का पूरा परिवार पहुंचा है। जैसे ही ये घटनाकांड, ये गोलीकांड सामने आया, सलमान खान उस वक्त बिग बॉस के लिए शूट कर रहे थे, उन्होंने उस शूट को रुकवाया और वो तुरंत देर रात ही लीलावती अस्पताल पहुंच गए जहां पर बाबा सिद्दीकी का पोस्टमार्टम किया गया। देर रात ही वो वहां पर पहुंच गए थे।
सलमान खान बाबा सिद्दीकी को बहुत मानते थे, ये बात भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और सिर्फ सलमान खान नहीं, सलमान खान, शाहरुख खान, संजय दत्त, मीडिया इंडस्ट्री के तमाम बड़े लोग, पॉलिटिशियन, जाहिर सी बात है वो खुद पॉलिटिक्स में है लंबे वक्त से, 3 बार के वो विधायक भी हैं, सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो ऐसे में उनका इस तरीके से उन पर गोलियां चल जाना, उनकी मौत हो जाना, वाकई ये बहुत सारे सवाल सभी के जहन में डालती है। लेकिन ये 4 तस्वीरें और बाबा सिद्दीकी के पास जिस तरीके से गोलीकांड हुआ, उसके बाद सलमान खान के घर के बाहर भी सिक्योरिटीज को बढ़ा दिया गया, क्योंकि जो पोस्ट देखिए, उस पोस्ट की वो कितना पुष्ट है, उसकी सत्यता क्या है, ये एजेंसीज जाने, लेकिन उस पोस्ट में सलमान खान का भी जिक्र किया गया है। उस पोस्ट में कहा गया है कि हमारा कोई ऐसा नहीं है कि सीधी लड़ाई है, बाबा सिद्दीकी को लेके दाऊद इब्राहिम का जिक्र उन्होंने किया है, लिंक्स को लेकर बात की है, कहा है सलमान खान के जो जो करीबी हैं, दाऊद के जो जो करीबी हैं, वो सब हमारे टारगेट पर हैं, अपना हिसाब किताब आप कर लीजिए, ये उस पोस्ट में। अब इसकी सत्यता कितनी है, अब देखिए, 3 आरोपी जो अब तक सामने आए थे कल देर रात ही, 3 में से 1 आरोपी फरार हो गया था, 2 को दर दबोचा गया था, जिसमें गुरमेल बलजीत सिंह, धर्मराज कश्यप, शिव कुमार जो है वो फरार हो गया। अब गुरमेल को और धर्मराज को आज कोर्ट में पेश किया गया, गुरमेल को 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा जा चुका है। धर्मराज की उम्र को लेकर दरअसल कोर्ट में कहा गया कि ये तो नाबालिग है, अब कोर्ट ने कहा कि इनका टेस्ट करवाइए और फिर टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट के साथ कोर्ट में वापस हाजिर होइए। तो पुलिस कस्टडी में गुरमेल है, शिव कुमार है जो कि इन तीनों ने ही फायर किया था, शिव कुमार मौके से फरार हो गया। चौथा नाम, जैसा हमने आपको बताया, मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चौथा नाम है जिशान का, जो इसमें जिसके तार, जिसका नाम इस पूरे हत्याकांड में जुड़ रहा है। वो कौन है, क्या दुश्मनी थी, कोई आपसी रंजिश वाला विषय था, या लॉरेंस ग्रिश्नोई, जिस तरीके से तमाम चीजें सर्कुलेट हो रही हैं, ये बहुत संगीन चीजें हैं और एजेंसीज के सामने भी ये बड़ा चैलेंज है। देखिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या पर एक बड़ा एक्सपोजे भी हुआ है, जैसा मैं बता रहा हूं आपको, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए, आपने मॉड्यूल देखा होगा, मौत होती है, गोलियां चल जाती है, उसके बाद सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली जाती है। पोस्ट में क्या लिखा है, जो सलमान के करीब होगा मारा जाएगा, दाऊद के करीबी होगा मारा जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए, बाबा सिद्दीकी तो महरूम है, हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन हमेशा से वो सुर्खियों में रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अगर थोड़ा सा पीछे आप जाएंगे तो ईडी की टीम भी उनके पीछे लगी हुई थी। अब एकदम से गोलियां चल जाना, ये बहुत शॉकिंग था सबके लिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जिस तरह की इमेज आम लोगों के मन में बाबा सिद्दीकी को लेकर है, बहुत ही जिंदा दिल व्यक्ति, इफ्तार पार्टियों के लिए फेमस, हंसता मुस्कुराता खूबसूरत सा चेहरा उनका, कोशिश वो करते थे, और ऐसा नहीं है कि बाबा सिद्दीकी सिर्फ मुसलमानों में, बहुत सारे ऐसे मैंने उनके समर्थकों को देखा है, उनके करीबियों को देखा है जो दूसरे धर्मों से ताल्लुक रखते हैं, वो हिंदू भी हो सकते हैं, वो सिख भी हैं, मैंने खुद देखा है ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान। तो बाबा सिद्दीकी उस तरीके की पर्सनालिटी थी। अब जब से पूरा गोलीकांड हुआ, हत्याकांड हुआ, एक बार फिर से अब देखिए, मुंबई का वो काला दौर, अंडरवर्ल्ड, गैंग वॉर्स, गोलियां एकदम से चल जाना, बहुत वक्त से चीजें बहुत छुपी हुई थी, दबी हुई थी, नजर नहीं आती थी, तस्वीरें बहुत अच्छी थी, लेकिन एक बार फिर से इस तरह की चीजें सामने आ जाना। अब देखिए, गैंगस्टर शूटर और मर्डर में देखिए, 2 सितंबर से 3 सितंबर तक शूटर जो है वो काम पर लगे हुए थे। काम क्या था, बाबा सिद्दीकी की रेकी की गई, क्या कुछ उनका काम है, कुर्ला में इन्होंने एक रूम लिया रेंट पर, ठीक है, शूटर्स का हैंडलर मुंबई में ही रहा जो कि उनको लगातार जानकारी दे रहा था, हैंडलर से लोग लगातार संपर्क में थे, बाबा सिद्दीकी किस वक्त पर कहां जाते हैं, अमूमन उनका रूटीन क्या है, कितनी सिक्योरिटी उनके साथ होती है। अभी हाल फिलहाल में ही एक मराठी एक्टर है, काफी जाने माने, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने अभी शिवसेना ज्वाइन की, तो ऐसे में आप देखिए, जब वो ज्वाइन कर रहे थे तो उस वक्त भी बाबा सिद्दीकी वहां पर मौजूद थे, बाबा सिद्दीकी वहां पर थे, उनकी सिक्योरिटी उनके साथ थी, ऑल वेपन ट्रेंड, यानी पुलिस का एक ऐसा अधिकारी, एक ऐसा लेवल का अधिकारी जो हर तरह के वेपन्स को हैंडल करने में सक्षम है, वो उनके साथ रहा करता था, उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी रहती थी, तो इन तमाम चीज़ों को की जानकारी जुटाई गई। उनका बेटा जो कि MLA है जिशान, उनका जहां पर कार्यालय बनाया गया है, उस कार्यालय के पास में ही इस शूटआउट को अंजाम दिया गया है। तो किस वक्त आते हैं, कैसे आते हैं, कौन सी गाड़ी में रहते हैं, ये तमाम रेकी की गई।
देखिए, अब इस हत्याकांड के बाद सबसे बड़ा सवाल अगर किसी पे उठा तो वो थी मुंबई पुलिस। लॉ एंड ऑर्डर किसके अंदर? मुंबई पुलिस के अंदर। मुंबई पुलिस भी सामने आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार मुंबई पुलिस कर रही है। वो कह रही है कि हर एक एंगल पर हम लोग अपनी तफ्तीश को, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। 21 तारीख तक हमें कस्टडी मिल चुकी है। लॉरेंस गैंग की भूमिका है नहीं है इसकी हम जांच कर रहे हैं। कई बार होता है ना कि ऐसे मौके पर सस्ती मस्ती छोटी मोटी पब्लिसिटी के लिए कोई भी पोस्ट कर देता है। ऐसे बहुत सारे कांड हमने देखे सोशल मीडिया के जमाने में। तो इसलिए मुंबई पुलिस भी इस मामले में असली वजह तक तय तक जाने के प्रयास में है। अगर इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ है तो आप बोलने की जरूरत है नहीं, फिर आप समझ सकते हैं कि कोई भी अपराधी जेल की सलाखों के अंदर से अगर अपना गैंग चला सकता है तो फिर वो जेल क्यों? वो तो उसके लिए हाई लेवल सिक्योरिटी, उसकी अपनी रियासत, अपनी सल्तनत, सिक्योरिटी में पुलिस वाले, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा, और अंदर से अगर गैंग के काम चल रहे हैं, नेक्सस मजबूत हो रहा है, तो इससे सेफ जगह किसी गैंगस्टर के लिए और क्या हो सकती है। इसलिए मुंबई पुलिस इस मामले में अपनी तफ्तीश को, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। अभी इस मामले में चार नाम सामने आए हैं, जैसा हमने आपको बताया। मुंबई पुलिस हर एक मामले में आगे बढ़ रही है। मुंबई पुलिस किसी भी तरीके से इस तरह की क्राइम कंट्रोल सिचुएशन से मुंबई के जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे या सीनियर मोस्ट अधिकारी होंगे वो इससे हमेशा से दो चार रहे हैं। उस काले दौर से अगर मुंबई बाहर आए तो आज जो परिस्थितियां हैं इससे भी मुंबई बाहर आ जाएगा। जब सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी तो खुद एकनाथ शिंदे उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि कौन लॉरेंस वॉरेंस, ये मुंबई है, यहाँ पर कुछ नहीं चलेगा। अब एकनाथ शिंदे, उनकी सरकार, वो उन पर भी लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो वो भी लगातार सामने आ रहे हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कुछ ही वक्त में विधानसभा चुनाव भी है महाराष्ट्र में, उसकी तैयारियों में हर एक दल है, और ऐसे में एक जाने माने पहचाने राजनीतिक व्यक्ति की अगर हत्या सरेआम इस तरीके से हो जाए तो आप जानते हैं ये मसला कितना बड़ा है। अभी मुंबई पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को हर एक दिशा में आगे बढ़ा रही है। खुलासा नंबर एक, चार लोगों ने मिलकर मर्डर की सुपारी ली। खुलासा नंबर दो, पंजाब की जेल में तीनों ने एक दूसरे से संपर्क में आए। जेल में मिश्नोई गैंग के संपर्क में ये लोग आए और मर्डर से पहले हमलावरों को 50,000 रुपये दिए गए, 50,000 रुपये की पेमेंट की गई। तो ये सुपारी कहाँ से मिली, किसने दी, अभी तक जो खुलासे हुए हैं सामने, देखिए कड़ी दर कड़ी हर एक चीज़ आगे बढ़ेगी। क्राइम का जो चैप्टर मुंबई की सड़कों पर देखने को मिला, अब पुलिस के सामने, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। आम लोगों के जहन में भी डर है कि किस तरफ वापस आर्थिक नगरी जा रही है। दो आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। कल आपको बताएं तीन लोग थे, तीसरा आरोपी शिव कुमार वो भाग गया था, फरार हो गया था। शिव कुमार ही शूटर्स को लीड कर रहा था, सोर्सेस के हवाले से खबर आपको बता दें। शिव कुमार अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अभी तक इस तरह के कोई इनपुट्स नहीं आए, कोई जानकारी नहीं आई कि शिव कुमार की लोकेशन को मुंबई पुलिस ने ट्रेस किया या नहीं किया। पुलिस की गिरफ्त से दूर है, पास है, कितना दूर है कुछ नहीं पता। इस बीच एक और आरोपी का भी नाम सामने आ गया, चार। अब ये बताया जा रहा है कि शिव कुमार ही इन शूटर्स को लीड कर रहा था, कहां कैसे क्या करना है शिव कुमार ही उनको गाइड कर रहा था। इसके पीछे की, इस हत्याकांड के पीछे की असल वजह अब ये देखिए, बाबा सिद्दीकी के मर्डर में किसने ऑर्डर दिए। 2 सितंबर से कुर्ला में ये शूटर रह रहे थे, 2 सितंबर अक्टूबर, लगभग 1 महीना 10-12 दिन ये लोग रहे। इन पूरे 30 से 32, 34, 35 दिन जितने दिन ये रहे, ये रोज रेकी कर रहे थे। इन्होंने कुर्ला में एक रेंट पर कमरा ले लिया, रेंट था 14,000 रुपये प्रति महीना। आप देखिए इतने ट्रेंड ये हो रहे हैं, इनके जो हैंडलर्स हैं वो बता रहे हैं कि भैया 1 महीने तक तो तुम रेकी करो, सारी चीज़ें जान लो, समझ लो, किसी को शक ना हो तुम्हारी एक्टिविटीज़ पे। बाबा सिद्दीकी के घर से लेकर ऑफिस तक की रेकी इन बदमाशों ने की है, इन हत्यारों ने की है, और वारदात से पहले काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे, क्योंकि आप जानते हैं उनका बेटा MLA है, उनका ऑफिस है, तो बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं अपने MLA से मिलने अपनी परेशानियों को लेकर, तो ऐसे में भी किसी को शक नहीं हुआ। अब देखिए इस मामले में एक के बाद एक कई एक्सपोज़ हो रहे हैं। टैक्सी लेकर ये तीनों शूटर वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे, करीब 7 बजे के आसपास तीनों शूटर जो स्पॉट था वहां पर पहुंच गए, जो कि इन्होंने जो भी प्लान किया होगा उस स्पॉट पर जाकर ये इंतजार करने लगे। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में इनके मूवमेंट को देखा गया है। अब सीसीटीवी फुटेज में टैक्सी भी नजर आ रही है, बांद्रा का वो इलाका आप जानते हैं, जगह जगह वहां पर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, और क्योंकि
ये मूवमेंट भी लगातार होता है क्योंकि एक महीने से लोग देख रहे थे किस वक्त बाबा सदीकी का नॉर्मल रूटीन क्या है, कहाँ पर रुकते हैं, किस तरीके से जाते हैं। अब ये पूरी टाइमलाइन भी आप देखिए, शाम करीब 6:30 बजे बेटे जिशान के दफ्तर बांद्रा ईस्ट में पहुंचे थे बाबा सदीकी साहब। ठीक है, उन्होंने मीटिंग की, मुलाकातें की, लोगों से मिले जो लोग वहां पर थे, उनसे बातचीत की, मीटिंग की, चुनाव है जैसा मैंने बताया, चुनाव को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए इसको लेकर कई बातें करी। लगभग 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे के आसपास ये मीटिंग चलती रही, बातचीत का सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद कार में बैठने के लिए वो जा ही रहे थे बाबा सदीकी कि उससे पहले वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। जानकारी ये भी है कि क्योंकि कल आप जानते हैं दुर्गा माँ के पंडालों में भी माँ दुर्गा को विसर्जन करने के लिए सिंदूर खेला और तमाम चीज़ें, और वहाँ पे भी काफ़ी पटाखे वटाखे फोड़े जा रहे थे। ऐसे में जब भी फायरिंग हुई तो सबको लगा शायद वो पटाखे ही फूट रहे हैं, कोई कुछ समझ पाता। और अब मुंबई पुलिस इस तफ्तीश में आगे बढ़ रही है कि ये लोग कहाँ से, कैसे, कहाँ कहाँ से, इनको क्या कुछ कनेक्शन है, उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन इसी घटनाकांड के बाद, इसी घटनाक्रम के बाद सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान खान के पास पहले से बहुत सिक्योरिटी है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि सलमान खान के घर गैलेक्सी के बाहर पुलिस ने बकायदा चौकी लगा दी हो, यह पहली बार हुआ है। सलमान खान के घर के बाहर एक चौकी बना दी गई है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इससे पहले भी सिक्योरिटी थी, मुंबई पुलिस के जवान थे, बीट के लिए, पेट्रोलिंग के लिए गाड़ियां थी, लेकिन कोई जैसे हम बोलते ना पुलिस चौकी बिल्कुल बना दी गई, ऐसा बनाया गया पहली बार। घर के बाहर किसी को रुकने की इजाजत नहीं है, आपको चलते रहना पड़ेगा, रुकना है ही नहीं आपको। गैलेक्सी में रहते हैं तो ठीक है, अंदर आइए, उनके लिए खास व्यवस्था है, आप जानते हैं स्टिकर्स एंड ऑल, लेकिन कोई भी आम व्यक्ति अब यहाँ पर रुक नहीं सकता। यहाँ पर बकायदा एक चौकी बना दी गई है जिसमें 24/7 पुलिस से जुड़े तमाम अधिकारी, पेट्रोलिंग के लिए कई सारे वाहन यहाँ पर तैनात रहेंगे। ऐसी भी जानकारी आ रही थी कि शायद एकनाथ शिंदे से सलमान खान की मुलाकात भी हो जाए, अब ये कन्फर्म नहीं है लेकिन ऐसी बातें भी आ रही थी। गैलेक्सी के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को काफी ज्यादा चाक चौबंद कर दिया गया। देखिए, शिवा पुणे में काम करता था, धर्मराज बहराइच का रहने वाला है, शिवा ने इसको बुलाया, मतलब देखिए शिवा ने सारे अपराधियों को बुलाया। अब गुरमेल सिंह जिसको 7 दिनों की कस्टडी में भेजा जा चुका है, शिवा, शिव कुमार, ये एक ही है, तो धर्मराज से भी संपर्क साधा शिवा ने, शिव कुमार ने, और गुरमेल से भी, दोनों को बुलाया। पैसे का जो ट्रेल है वो भी लगातार मुंबई पुलिस उसको सामने लाई रही है। कैथल का रहने वाला है गुरमेल सिंह, बहराइच का रहने वाला है धर्मराज, तो आप देखिए अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्टेट से इन शूटर्स को अगर कोई कोऑर्डिनेट कर रहा था तो वो शिवा उर्फ शिव कुमार। देखिए, अब तक हमने आपको 3 आरोपियों को लेकर उनके बारे में डिटेल्स दी, चौथे फरार आरोपी की तस्वीर भी अब सामने आ गई है। भारत एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव वो तस्वीर भी आपको दिखाएगा, मोहम्मद जशीन अख्तर के रूप में पहचान हुई है। मोहम्मद जशीन अख्तर पंजाब के जलंधर का रहने वाला है। मोहम्मद जशीन 7 जून को पटियाला जेल से बाहर आया था, जेल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों के संपर्क में वो रहा, और फिर आप जानते हैं फिर क्या कुछ हुआ। अब देखना होगा कि इस मामले में जशीन की क्या कुछ रोल रहा है। ये जशीन की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं भारत एक्सप्रेस पर, जशीन की ये तस्वीर है। 4 में से, हालांकि चारों के बारे में जानकारी तो आई गई है, 2 पुलिस की कस्टडी में है, 1 को पुलिस की कस्टडी मिल चुकी है 7 दिनों की, दूसरा आरोपी जो धर्मराज है उसको कहा गया है कि वो नाबालिग है, तो कोर्ट ने कहा है टेस्ट कराइए, इनकी उम्र पता लगाइए, तो जब वो टेस्ट हो जाएगा उसके बाद वापस से कोर्ट में पेशी। शिव कुमार नाम का जो आरोपी है वो फरार हो गया था, कल ये तीनों साथ ही थे, मौके पर भगदड़ मची, त्योहारी सीजन भी आप जानते हैं, त्योहारी सीजन, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, बांद्रा इलाके में वैसे भी बहुत भीड़ रहती है आप जाएंगे तो उस भीड़ का फायदा उठा के शिव कुमार भाग गया, शिव कुमार फरार हो गया। चौथा जशीन अख्तर जिसकी तस्वीर आपके सामने है, जशीन की ये तस्वीर आपके सामने। अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इस मामले में जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर लें, क्योंकि ये बहुत अजीब सा लग रहा है चीजें सुन के,
कि महाराष्ट्र मुंबई जैसे जिसको आर्थिक राजधानी हम कहते हैं, जहां की पुलिस को हम हाईटेक पुलिस कहते हैं, अब काफ़ी देर हो गई है। अब तक तो तमाम आरोपियों को धर दबोचा जाना चाहिए था। हमारी इंटेलिजेंस इतनी ज़बरदस्त तो है ही, इतनी सशक्त तो है ही, अब जल्द से जल्द इस मामले में गिरफ्तारियां हो, एक्चुअल रीज़न सामने आए। और अगर एक्चुअल रीज़न वही है जो लगातार सर्कुलेट किया जा रहा है तो सोचने वाली बात है। तो लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल हैं। मेरी सहयोगी आंचल तिवारी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हैं। और आंचल, इस वक्त आप जाहिर सी बात है सिद्दीकी साहब की आवाज़ के बाहर ही होंगे, थोड़ी तस्वीरें भी दिखाइएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में आगे बढ़ रही है। वो कहते हैं कि कई जगहों से क्लूज मिल जाना, उन क्लूज के आधार पर आगे बढ़ना। क्या हम ये कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस के हाथ वो इंपॉर्टेंट क्लूज लग चुके हैं, या हाथ अभी खाली हैं, और जो दो आरोपी अभी फरार हैं कितनी दूर है, कितने कोसों दूर हैं, उनके बारे में कुछ इनपुट हाथ लगा? जी बिल्कुल रोहित, इस समय हम बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर मौजूद है। पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर उनकी जो चाहने वाले हैं, जो बड़े बड़े हस्तियां हैं, वो पहुंच रहे हैं मकबाग हाइट, जहाँ पर बाबा सिद्दीकी अपने परिवार वालों के साथ में रहते थे। और यहाँ पर पहले नमाज अदा की जाएगी, उसके बाद उनका जो जनाजा है वो निकाला जाएगा। लेकिन उसके पहले सलमान खान, जो कि सबसे करीबी रहे हैं बाबा सिद्दीकी के, वो पहुंचे। उनके परिवार से सोहेल खान, अर्पिता खान और पूजा भट्ट, जो कि महेश भट्ट की बेटी है, वो पहुंची हैं। और यहाँ पर मुंबई पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा है वो काफी बढ़ाई गई है। पूरे रोड पर बैरिकेडिंग की गई है, गाड़ियां अंदर पास आउट नहीं हो पा रही हैं। इसके साथ ही साथ आम लोगों को नहीं आने दिया जा रहा है, लेकिन आखिरी दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। तो ऐसे में जो उनके चाहने वाले हैं वो उनके दर्शन के लिए वहां पर मौजूद है। सीधे तस्वीर देखिए रोहित, यहाँ पे जो भीड़ है वो सबसे ज्यादा है और धीरे धीरे यहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है। 7:30 बजे के आसपास नमाज अदा होने के बाद उनके जनाजे को निकाला जाएगा और उसको लेकर, जो कि बड़ा सबसे कब्रिस्तान है मुंबई में मरीन लाइन में, वहां पर सुपुर्द ये खाक किए जाएंगे। पूरे रीति रिवाज के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार होगा, जिसका आदेश खुद आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिया है। वहीं अब दूसरे एंगल्स की बात करें तो जिस तरीके से मुंबई पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, क्राइम ब्रांच की टीम पूरी तरीके से अलर्ट है और एक एक चीज को खंगालने का जो काम है वो क्राइम ब्रांच की टीम से की जा रही है। उम्मीद है कि मुंबई महाराष्ट्र की टीमें जल्द से जल्द, जो दोनों आरोपी फरार चल रहे हैं वो उनकी गिरफ्त में है, ये खबर जल्द से जल्द आए आपके पास। और आज तो जरूर ब्रेक कीजिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद, नजर आप बना रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे आंचल आपके साथ।